फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जायसवाल जायका में। होली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। होली के मौके पे आज स्पेशल पे आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल गुजिया। तो मावे की गुजिया आज हम बनाएंगे, या आप कह सकते हैं तो सिंपल गुजिया। तो आज हम आपको बना के दिखाने वाले हैं मावे की गुजिया। मार्केट से खोया खरीदने के बाद हमने इसको घी में लिया भून, इसमें काजू किशमिश गरी और बादाम ऐड कर दिया और इसमें चीनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दी चीनी, और कम से कम इसको हमने 3 घंटे के लिए छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए। कैसे बनता है क्या है वो तो मैंने आपको पूरी एक वीडियो बता दी है। मावा हमने पहले से तैयार कर लिया था, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी मावा बनाने में यूज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आप वो ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आपका जो खोया होगा, गुजिया वाला खोया, बिल्कुल ऐसे ही तैयार होगा। बढ़िया सा येलो कलर का हल्का सा आएगा इसका टेक्सचर, बट दिखने में इतना ही अच्छा होगा और खाने में भी बहुत अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, मैदा हमारा हमने ले लिया था। ये चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप जो 4 कप मैदा ले रहे हैं तो उसमें से 1 कप उसमें घी पड़ेगा। आप घी डाल सकते हैं, आप रिफाइंड डाल सकते हैं, मोवन में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है आपके लिए कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो मैंने इसमें इसके हिसाब से इसका जितना मैंने लिया है उसका 1/4 भाग यानी कि 4th part जो पड़ेगा वो मैं डालूंगा इसमें घी। तो मैं इसमें आप घी भी ऐड कर रहा हूं। ये हो गया है यानी कि वही 1/4 भाग हो गया है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं मैदे में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये अच्छा सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, जब आपका मैदा ऐसा हो जाए, आप इसको ऐसे करके देख लीजिएगा, इसमें ये मुट्ठी टाइप का जो ऐसे करिए ऐसा होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह का। तो आप मान लीजिए कि आपका जो मोवन आपने डाला था घी या रिफाइंड वो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको आटे की शेप में लेके आएंगे क्योंकि मैदा है भाई। तो इसको हम दूध से, मैं दूध यूज कर रहा हूँ, आप दूध भी यूज कर सकते हैं, साथ में आप पानी से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं दूध यूज कर रहा हूँ, पानी। तो इसका बड़ा टाइट सा डो बनाना होता है, ठीक है, इसको मिक्स करते रहिए, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर भी दूध या पानी मिक्स करना है कि नहीं मिक्स करना है। अच्छा सा कड़ा सा डो आपको लगाना होगा इसका, तो आपका ये रेडी हो जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते रहिए और थोड़ी देर में ये बड़ा कड़ा सा आपका डो तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जब हमारा डो ऐसा हो जाए बनके, ठीक है, तो आप इसे समझ लीजिए कि भाई आपका जो डो है वो गुजिया का तैयार हो चुका है। तो अब हमारा ऐसा हो गया है, ठीक है। अब हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और ये थोड़ी देर बाद जैसे हम इसको छोड़ देंगे फिर ये और अच्छा हो जाएगा, तब हम इसकी गुजिया बना सकते हैं। तो हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं 10 से 15 मिनट। फ्रेंड्स, आटा हमारा तैयार हो गया, जो हमने डो बनाया था वो ठीक हो गया। हम इसकी लोई बना लेंगे। तो लोई हम इसमें से निकाल लेते हैं, इसको अच्छे से हम गोल गोल करके अच्छे से इसकी लोई बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स, ये लोई हमारी तैयार हो चुकी है, इसको अब बेल लेंगे हम पूरे ऊपर से। तो उसको हम अच्छे से बेल लेंगे। ये ज़्यादा ना मोटी रहनी चाहिए ना ज़्यादा पतली, तभी ये अच्छी तरीके से आपकी बिल जाएगी। जो हमने इसको अच्छे से बेल लिया है, एक ट्रिक है, आप कोई ऐसा बर्तन ले लीजिए या ढक्कन जिसपे ये ऐसे तरीके यानी कि हार्ड द लाइंस हो, साइड में लाइंस होने पे ये होता है कि आप इससे आप छोटे छोटे आपको गुजिया के पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर उसमें भरना पड़ेगा। बट आप ये ट्रिक यूज कीजिए, आप रखिए ऐसे और इसे अच्छे से घुमा लीजिए, ठीक है। आप इसको घुमा लेंगे, आपके जो पापड़ होंगे गुजिया के वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से आपके ये पापड़ जो होंगे वो तैयार हो जाएंगे विदाउट कोई टेंशन। फ्रेंड्स, हमारे जो पापड़ थे वो रेडी हो गए थे। उसको क्या करना है, आप गुजिया ले लीजिए, गुजिया गुथनी भी कहते हैं या गुजिया का शाशा कहते हैं इसे, आप ये मार्केट से खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। तो आप इसमें बस ऐसे करके
बिल्कुल सटीक ढंग से बीचों बीच में इसको रख लीजिए। ठीक है, बीचों बीच में हो गया। आप एक चम्मच या आप आधा चम्मच इसके अंदर फिलिंग फिल कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप हल्के से हाथ से फिर ऐसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे इसमें से हटा दीजिए और उसके बाद खोलिए। आपकी जो गुजिया होगी वो हो गई होगी रेडी। तो हमारी गुजिया है वो रेडी हो चुकी है। ऐसी करके हम बाकी भी जो हमारी गुजिया हैं उनको हम, तो फ्रेंड्स एक और ट्रिक है गुजिया की। आप जो पापड़ रखते हैं, कभी कुछ लोग का होता है कि गुजिया फूट गई बनाते हुए, जब आप तलने जाते हैं तो गुजिया फूट जाती है, तो उसकी एक और ट्रिक है। आपने ट्रिक है इसको ऐसे रखा अंदर, हल्का सा पानी ले लीजिए, सिंपल वाटर, कोई पानी लेके इसके जो साइड्स होते हैं गुजिया के साइड्स जो होते हैं उस पर पानी लगा देना है। ऐसे करके पानी लगा देंगे आप, ऐसे बंद कर देंगे इसको और आपका जो गुजिया होगी वो इससे रेडी हो जाएगी बढ़िया से, और ये फूटेगी भी नहीं जब आप इसको तल रहे होंगे। तो ऐसी बिल्कुल परफेक्ट गुजिया तैयार हो जाएगी और ये गुजिया आपकी फूटेगी भी नहीं जब आप इसे तल रहे होंगे। फ्रेंड्स कढ़ाई ले ली है हमने, दोस्तों कढ़ाई ले ली है, ठीक है, और इसमें डाल दिया हमने रिफाइंड। आप तेल भी, सॉरी, आप रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, घी भी यूज कर सकते हैं, आपका जो मन हो आप वो यूज कर सकते हैं। कुछ लोग तो तेल में भी बना लेते हैं, बट अब मैं प्रेफर करूंगा कि आप घी लीजिए या रिफाइंड लीजिए, दोनों में से रिफाइंड है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी गुजिया डाल देंगे, ऐसे ही आराम से अपनी गुजिया इसी के अंदर डाल देंगे। धीमी आंच पे ऐसे ही हम इसको पलट पलट के भून लेंगे और ये बन जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी गुजिया हो गई है तैयार, बिल्कुल ब्राउनिश कलर में आई है, ब्राउन ब्राउन कलर की, बहुत ही दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खाने में भी वैसे ही स्वादिष्ट है। तो आप गुजिया लेते हैं और गुजिया को आप जब तोड़ते हैं बीच से तो ये देखिए अभी गर्म है, तो ये अंदर से ऐसा निकलेगा। ठीक है, खाने में इसको हम स्वाद करके यानी टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा लग रहा है इसे खाने में। फ्रेंड बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाने में बहुत ही मजा आ रहा है। रेसिपी बड़ी इजी है, बनाइए आप भी, खाइए और होली का पर्व ऐसे ही मनाते रहिए। कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताइएगा जरूर कि आपको मेरी गुजिया की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो होली स्पेशल ने हमने बना लिया है गुजिया, मावे की गुजिया, ये आप कह सकते हैं खोए की गुजिया। तो फ्रेंड्स प्लीज मेरा चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आपने यहाँ तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर वीडियो में करिएगा, क्योंकि आप देखेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को ऐसे ही पहुंचाते रहिए। आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसी मेरी वीडियो आप शेयर करते रहिए और लाइक करिए, और आपको यहां तक जो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स होली खेलिएगा, आराम से खेलिएगा, थोड़ी दूरी बना के रखिएगा क्योंकि कोरोना भी है, तो आप प्लीज अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, होली खेलिए बट सेफ्टी से।